الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات بر محمد وعلى آله एक दफा सब मिलकर दोबारा ऊंची आवाज से सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले आला आप सबके तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मुझे एक लिस्ट दी गई है। इसमें तकरीबन कोई 10-12 मरहूमीन के नाम हैं। इन सब के इसाले सवाब और बुलंदी दरजात के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات بجيب محمد وآله عزيزان اكرامي چونكه ترحيم کی مجلس ہے मरहूमीन के ईसाले सवाब की मजलिस है इसलिए मैं चंद नुकात इस हवाले से पहले अर्ज करूँ। एक दफ़ा फिर सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले इबादत बहुत सारी हैं। खुद कुरान का मुतालिया इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरना इबादत है, किसी भूखे को खाना खिलाना इबादत है, किसी को मुस्कुराकर देखना इबादत है, किसी को सलाम करना इबादत है, वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, माँ के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखना इबादत है। इबादतों की बहुत सारी अकसाम हैं, लेकिन वो इबादत जो बाकी तमाम इबादतों को ज़िंदा करती है वो आज़ादारी सैयदुल शुहदा है। आज़ादारी है सैयद शहादा क्यों बाकी इबादत को जिंदा करती है? इसलिए कि आज़ादारी है सैयद शहादा दिल को जिंदा करती है, रूह को जिंदा करती है। अज़ाए सैयद शहादा यानी सैयद शहादा का दर्द, सैयद शहादा का शऊर,
सैयद शहदा की मोहब्बत, सैयद शहदा से अकीदत, सैयद शहदा का इश्क, सैयद शहदा की मवद्दत, सैयद शहदा की विलायत, अगर किसी इंसान के दिल में ये चीज़ें पैदा हो जाएं तो वो इंसान जिंदा हो जाता है। और जो इंसान जिंदा हो जाता है उसकी इबादतें भी जिंदा हो जाती हैं। मुर्दा इंसानों की इबादत भी मुर्दा ही होती है। जिंदगी चलते फिरते लोगों का नाम नहीं है। अगर कोई शख्स खाता पीता हो तो उसको हम हैवानी हवाले से जिंदा कहते हैं, लेकिन इंसानी हवाले से जिंदा नहीं कहते। अगर कोई शख्स कत्ल करे, कोई शख्स किसी बेगुनाह को जुल्म का निशाना बनाए, कोई शख्स किसी बच्चे को बगैर किसी जुर्म के पीटे, आप फौरन रद्द अमल में उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं? ये इंसान नहीं है, हैवान है, कहते हैं ना। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो चलता फिरता तो है, उसमें जान तो है, लेकिन वो इंसानी नहीं है बल्कि हैवानी खसूसियात और सिफात का मजारा है। लेकिन अगर वही इंसान पाको पाकीजा हो जाए, वही इंसान बाकिरदार हो जाए, वही इंसान झूठ से इज्तनाब करे, वही इंसान नेकियों को बजा लाए, वही इंसान नमाज में पहली सब में हो, वही इंसान आज़ादारी सैयद शहदा में सबसे ज़्यादा अज़ा करके दिखाए, वही इंसान दूसरों की मदद में सबसे आगे हो, तो उस इंसान को आप क्या कहते हैं? ये बड़ा पाकबाज और नूरानी इंसान है। ये जो नूरानियत है, इन तमाम नेकियों के हवाले से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि वो ये नेकियां अंजाम दे। ये किस वजह से पैदा होता है? जब उसके अंदर विलायत अली जिंदा हो। अली की विलायत नूर है, हुसैन इब्न अली की विलायत नूर है। ये नूर जब इंसान के अंदर ज़ुहूर पसीर हो तो वो इंसान नूरानी हो जाता है, और नूरानी इंसान के अफ़आल भी नूरानी हो जाते हैं। लिहाजा अगर हमारा कोई मरहूम मरे तो हमें कहा जाता है आज़ादारी है सैयद शहदा को, इमाम हुसैन का तस्किरा करो, करबला वालों का तस्किरा करो। क्यों? चूंकि जब आप करबला वालों का तस्किरा करते हैं तो आपका दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो आंसू बहने लगते हैं, जब आंसू बहने लगते हैं तो आपके दिल में मौजूद गुनाहों का जंग पाक हो जाता है और दिल नूरानी हो जाता है। और वो जो दिल नूरानी हो जाता है, उस दिल में फिर हुसैन का घर बन जाता है, क्योंकि हुसैन इब्न अली खुद नूर है, तारीकी उनका मस्कन नहीं है। अगर दिल नूरानी हो जाए तो हुसैन इब्न अली उस नूरानी दिल को अपना घर बनाते हैं। इसलिए जिस दिल में हुसैन रहते हो वो दिल हरम हुसैन है, जिस दिल में हुसैन रहते हो वो दिल मजार हुसैन है, जिस चार दीवारी के अंदर जिक्र हुसैन पाकीजगी के साथ अंजाम पाए वो चार दीवारी हरम हुसैन है, वो चार दीवारी खैमे हुसैन है। इसलिए खैमे हुसैन में अगर कोई दाखिल हो जाए तो अमन में आ जाता है। खैमे हुसैन में कोई इंसान दाखिल हो जाए तो वो निजात के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया कि हुसैन इब्न अली हिदायत का दरवाज़ा है, रहमत का दरवाज़ा है, अल्लाह का दरवाज़ा है, निजात का दरवाज़ा है। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जिक्र हुसैन ज़रूरी है। अगर इंसान जिक्र हुसैन कर जाए, करने की उसको तौफीक मिले, तो उस जिक्र हुसैन के नतीजे में वो इंसान अंदर से पाकीजा हो जाता है। और ये बात याद रखिए कि अगर एक इंसान आपके किसी एक अमल की वजह से
तारीकी से रोशनी में आ जाए, गुनाह से पाकीजगी में आ जाए, नाफरमानी से फरमान बरदारी के दायरे में आ जाए, बगावत से इताअत के दायरे में आ जाए, तो उस एक इंसान की हिदायत गोया कुल इंसानियत की हिदायत है। जब आप अपने किसी मरहूम के ईसाले सवाब के लिए ऐसी मजलिस का इनकाद करते हैं तो उस मजलिस का सवाब पर एक कुरान की सूरत पढ़ने से कई गुना ज्यादा है, इसलिए कि वो उस इंसान की हिदायत का सबब बना है। जिस चीज से इंसान हिदायत पाए वो चीज सबसे बड़ा सरमाया हुआ कर दिया। इसलिए इन मजालिस के इनकाद का हुक्म दिया गया है। मैं और पहले अर्ज करूं, ये जो आप चिट्ठे लिखते हैं ना कि इतने मरहूमीन हैं इनके लिए दुआ करें, अच्छा है, मरहूमीन को याद करना चाहिए, मरहूमीन को याद करना चाहिए, नाम लेकर याद करना चाहिए। जब आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो नमाज तहज्जुद में क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं, कितने मोमिनीन का नाम लेते हैं, 40। दो तरीके हैं, एक ये कि 40 मोमिनीन का नाम लेकर दुआ करें, अल्लाहुम्मग़फिर ली फलान इब्ने फलान, मसलन हसन इब्ने फर्ज करें मोहसिन, आप दुआ करते हैं, अली इब्ने फर्ज करें अब्दुल्ला, आप दुआ करते हैं, लोगों का नाम ले लेकर दुआ करते हैं और 40 मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, अल्लाहुम्मग़फिर लिल्मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, यहां पर आपने नाम नहीं लिया लेकिन कुल्ली तौर पर उन तमाम मोमिनीन के लिए दुआ किया है, दुआ किया। ये जो दोनों तरीके हैं दोनों के अंदर अलग अलग फलसफे और अलग अलग हिकमतें हैं, अलग फलसफे और अलग हिकमतें हैं। अब जरा गौर कीजिए, एक इंसान अपने मरहूमीन के लिए दुआ करता है, एक इंसान अपने पूरे खानदान के लिए दुआ करता है, एक इंसान अपने शहर के मरहूमीन के लिए दुआ करता है, एक इंसान अपने फिरके और मसलक के मरहूमीन के लिए दुआ करता है, एक इंसान तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता है, एक इंसान असर हाजिर के लोगों के लिए दुआ करता है, एक इंसान हजरत आदम से लेकर आज तक गुजर जाने वाले तमाम इंसानों के लिए दुआ करता है। फर्क कहां पर आए, फिक्र की वसअत में, फिक्र किसकी कितनी वसी है। अब इस वसअत फिक्र का मुजाहरा कहां पर होता है, जहां इंसान साहिब मारिफत है, साहिब मारिफत। इसलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है कि जब एक शख्स आया, यबना रसूलुल्लाह मैं मरहूमीन के लिए दुआ कैसे करूं, मुख्तलिफ तुरुक मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ रविशें बयान हुई, फातिहा पढ़ो दुआ है, इखलास पढ़ो दुआ है, नेकी करो उसके लिए सवाब का सबब है, किसी यतीम की मदद करो सबब है और उसको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा, किसी सूरत की तिलावत करो आयत की तिलावत करो दुरूद पढ़ो दुआ पढ़ो वगैरह वगैरह, लेकिन एक रविश बताई, वो रविश बड़ी अजीब है, वो क्या है कि तुम जब मरहूमीन के लिए दुआ करना चाहो तो सिर्फ अपने मरहूम को सामने न रखो बल्कि नियत करो कि हजरत आदम से लेकर अब तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब के ईसाले सवाब की नियत कर लो, हाथ उठाओ और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, कितने जरा बोले कितने, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का फरमान है कोई भी दुआ करने से पहले और उसके बाद 3-3 दफा सलावात पढ़ो, क्यों, इसलिए कि सलावात से अल्लाह तबारक व तआला सलावात को कभी रद्द नहीं करता, इसलिए इन 2 कबूलशुदा सलवातों के दरमियान जो भी दुआ तुम मांगते हो वो भी उन सलवातों के सबब से कबूल होती है। इसलिए जब मरहूमीन के लिए दुआ करें, अब इमाम सादिक की वो हदीस सामने रखें, फरमाया हजरत आदम से लेकर अब तक आने वाले और जाने वाले तमाम मुस्लिमीन और तमाम मोमिनीन की नीयत से दुआ करो, ये 3
आयतुल कुर्सी पढ़ो और उन सबको इसाल कर दो। क्यों? जब तुम अपने सिर्फ एक मरहूम के लिए दुआ करोगे तो वो सवाब उसको मिल जाएगा, लेकिन जब तुम सबके लिए करोगे ये सवाब तकसीम नहीं होगा। फर्ज करें अगर आयतुल कुर्सी का सवाब 100 हिस्से है तो 100 हिस्से तमाम मरहूमी में तकसीम नहीं होंगे, 100 100 करके हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। फर्क कहां पर है? सिर्फ आपकी नीयत में। आपने एक दफा नीयत की एक बंदे को 100 दिए, एक दफा नीयत की 1 करोड़ बंदों को 100 100 दिए, कौन सा ज्यादा मुफीद है? वो जिसमें आपने सबकी नीयत की। फरमाया देख लो, जब एक मोमिन इंसान तमाम मरहूमीन की नीयत से, हजरत आदम से लेकर अब तक जितने भी लोग मरहूम हो चुके, वो कहां पर है? बरजख में। बरजख में चाहे 1000 साल पुराने हो या 10000 साल पुराने हो, सारे के सारे और जो कल मरे हैं वो भी बरजख में है, इंतजार में है। फरमाया कि उन सब मरहूमीन के लिए दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से एक बात करता है, वो क्या है? फरिश्तों देखो मेरा ये बंदा कितना सखी और कितना वसी है कि सिर्फ अपने मरहूम की बजाय इसने मेरे उन तमाम बंदों को याद किया जिनको याद करने वाला कोई नहीं है, और मेरे इस बंदे को उन लोगों से कोई फायदा भी नहीं है। जाहिर है मैं जब किसी को जानता ही नहीं हूं तो मुझे उससे फायदा क्या है? कोई नहीं। तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरा ये बंदा कितना वसीह है, कितना अजीम है कि उन लोगों को भी फायदा पहुंचाना चाह रहा है जिनको ये जानता भी नहीं है। लिहाजा इस आयतुल कुर्सी में से हर एक हर्फ के बदले, 3 दफा उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह इरादा फरमाता है और ऐलान फरमाता है कि इस आयतुल कुर्सी जो 3 दफा इसने पढ़ी है उसमें से हर हर हर्फ के बदले मैं एक फरिश्ता खल्क फरमा रहा हूं। हर हर्फ के बदले इन फरिश्तों के जिम्मे काम यह होगा कि ता कयामे कयामत, सिर्फ इस बंदे के मरने तक नहीं, ता कयामे कयामत इस बंदे के लिए ये सारे फरिश्ते मिलकर हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में मगफरत की दुआ करते रहेंगे। और जो इन आयात की तिलावत का सवाब है वो उन तमाम मरहूमीन को मैं बराबर अता करूंगा। अब देखिए मरहूमीन को याद करने का कितना वसी, कितना अरीज और कितना खूबसूरत तरीका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा फिर जरा ऊंची आवाज से सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अजीजान गिरामी, ये मजलिसें, ये याद रखिए रस्म नहीं है कि कोई मर गया हमने एक मजलिस करवा ली इसाले सवाब किया खत्म हो गई, नहीं। ये मजलिस जिस तरह से आप कुआं खोदते हैं, कुआं खोदते हैं तो क्या होता है? पानी निकल आता है। पानी निकल आए तो क्या होता है? जमीनें सीराब होती हैं, प्यासे लोगों की प्यास बुझती है, हत्ता जानवरों की प्यास बुझती है। जब तक उस कुएं से पानी निकलता रहता है उस कुआं खोदने वाले को उसके हिस्से का सवाब मिलता रहता है, जिसको हम कहते हैं सदक़े जारिया। मजलिस क्या है? जब आप एक मजलिस का इनकार करते हैं, अगर हलाल के पैसे से करते हैं, अगर पाकीज़ा नीयत के साथ करते हैं, अगर पाकीज़ा लोगों को लाकर इस मिंबर पर बिठाते हैं और वो पाकीज़ा ज़बानों के साथ हलाल तरीके से दीन को सुनते समझते हैं और दीन को बयान करते हैं, अगर उसके नतीजे में सामने वाले मजमा में से अगर फर्ज करें 500 बंदे हैं, 2 बंदे कुरान सीख जाएं, 2 बंदे दीन सीख जाएं, 2 बंदे एक हदीस सीख जाएं, 2 बंदे अहलुल बैत की मारिफत हासिल कर लें, 2 बंदे हिदायत के रस्ते पर कदम रख लें, 2 बंदे 2 बुराइयों को छोड़ दें, 2
बंदे दो नेकियों को इंतखाब कर लें और हमेशा उन नेकियों पर अमल दरामद करना शुरू कर दें, तो आपने सिर्फ एक मजलिस करवाई, लेकिन जिस जिस को इस मजलिस से जो जो फैज पहुंचा, और जब तक उस मजलिस के नतीजे में वो लोग उस पर अमल करते रहे, उस पूरे सवाब में बानी मजलिस शरीक है। इसलिए ये सदक़े जारिया है, हिदायत के हवाले से सदक़े जारिया है, और दूसरी तरफ ये मजलिस मारिफत बढ़ाने का जरिया है, इल्म बढ़ाने का जरिया है, शनाख्त बढ़ाने का जरिया है, हुसैन शनासी का जरिया है, मारिफत हुसैन इब्ने अली के हुसूल का जरिया है। ये मजलिस है जो इंसान को कसाफतों से, गंदगियों से, पस्तियों से निकालती है और आला ज़र्फ बना देती है। मजलिस कदूरत पैदा नहीं करती, मजलिस नूरानियत पैदा करती है, कदूरत तारीकी है। जरा अपनी जिंदगियों में गौर करें, जो लोग पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं वो अगर किसी दिन झूठ बोले शाम तक परेशान रहते हैं, मैंने आज झूठ बोला और इस झूठ ने मेरा सत्यानाश कर दिया, दिल का हाल खराब कर दिया। जो लोग नमाज शब के पाबंद हैं वो एक दिन किसी नामहरम को देखें, अगली सुबह वो नमाज शब के लिए उठ नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि उस गुनाह की वजह से दिल तारीख हो गया, जब दिल तारीख हुआ तो नमाज की तौफीक छिन गई। उसी तरह से सैयद शहदा की आजादारी है, ये आजादारी इंसान के दिलों की कदूरत को पाक करने का सबब है, ये आजादारी कल्ब इंसानी की नूरानियत का सबब है। जो भी हुसैन इब्ने अली की आजादारी में शरीक होता है उसका दिल नूरानी हो जाता है। दिल अगर दिल नूरानी हो जाए तो उस नूरानी दिल को फिर परवाज की ताकत मिलती है, और वो फिर कसाफतों में, दरिंदगियों में, हैवानियत में, गंदगी में, निजासतों में रह नहीं सकता। यही आजादारी का नूर उसको इतना बुलंद कर देता है कि फरिश्तों की सफ में दाखिल हो जाता है। इसलिए इन आजादारियों की कदर करें, इन आजादारियों को उनकी रूह के मुताबिक, उनके फलसफे के मुताबिक, उनके मकसद के मुताबिक बजा लाने की कोशिश करें। आजादारी सिर्फ गिरिए का नाम नहीं है, सिर्फ गिरिया नहीं है, गिरिया रोना, इंसान भी रोता है और गैर इंसान भी रोते हैं, हिंदू भी रोता है, मुसलमान भी रोता है, ईसाई भी रोता है, बुद्धिस्ट भी रोता है, एथिस्ट भी रोता है, यहूदी भी रोता है, मुसलमान भी रोता है। रोना तो सबको आता है, कहां पर आता है? जहां पर उनका दिल दर्द में मुबतला हो। ये जो दिल के दर्द में मुबतला होने का अमल है, क्या इसके लिए इस्लाम शर्त है? क्या इसके लिए मौलाई होना शर्त है? नहीं, जो भी इंसान होगा उसके दिल में दर्द पैदा होगा। सिर्फ इंसान ही क्या, हैवान भी अगर उसके दिल को ठेस पहुंचे, दर्द पहुंचे तो रोएगा। ये जो आप कुर्बानी के अय्याम में जब कुर्बानी चाहते हैं करें, तो भेड़ को ज़बह करते हुए आपको दीन ने क्या सिखाया कि आप किसी और भेड़ के सामने भेड़ को ज़बह ना करें? सिखाया किसी मुर्गी के सामने मुर्गी को ज़बह ना करें, किसी बैल के सामने उसकी निगाहों के सामने बैल को ज़बह ना करें? ये कहा है ना? क्यों कहा है? चूंकि इसको ज़बह होते देख कर उसका दिल दर्द में मुबतला हो जाता है। जो दिल दर्द में मुबतला हो उसके नतीजे में आंखों से आंसू गिरते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गिरिया एक उमूमी हैवानी और इंसानी मुश्तरका अमल है। लेकिन गिरिया और गिरिया में बड़ा फर्क है। एक गिरिया वो है जिसके पीछे हैवानी जज्बात है, इंसानी जज्बात है, फितरी और जबिल्ली जज्बात है। मसलन एक बच्चे को आप गाड़ी के नीचे अगर देख लें कि वो गाड़ी के नीचे मसल दिया गया है, तो उसके मसले हुए जिस्म को देखकर आप फौरन रो पड़ेंगे, इसलिए कि आपके जज्बात मजरूह हुए। लेकिन पहले दिन रोएंगे, दूसरे दिन नहीं रोएंगे, तीसरे दिन नहीं रोएंगे। हमारा कोई अजीज बिछड़ जाए तो हम पहले दिन रोएंगे, दूसरे दिन रोएंगे, तीसरे दिन आंसू खुश्क हो जाएंगे। अगर
अगर हमारे अजीज तरीन लोग, चाहे बाप हो, बेटा हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, अजीज तरीन दोस्त हो, पहले दिन आंसू बहेंगे, अगले दिन आंसू खुश हो जाएंगे, और अगर साल के बाद देखो तो उसकी मौत के दिन भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक फातिहा करवा देंगे, बस इस हद तक। क्यों? इसलिए कि ये जो ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात जबिल्ली और फितरी ताल्लुकात हैं, इसलिए इन फितरी ताल्लुकात के नतीजे में जो आंसू बहते हैं वो जबिल्ली हैं, हैवानी खसूसियात के नतीजे में बहने वाले आंसू हैं। इसलिए इन आंसुओं की जो जमानी मुद्दत होती है, वक्त की, वो बहुत कम होती है। एक दफा आंसू बहा, खत्म। दो दफा बहा, खत्म। तीन दफा बहा, खत्म। चौथी दफा आंसू नहीं बहते। एक दिन बहा, अगले दिन नहीं बहते, अगले हफ्ते नहीं बहते, अगले साल नहीं बहते। लेकिन एक आंसू है जिसका ताल्लुक इस दर्द के साथ साथ मारिफत से है। वो जो मारिफत के साथ मुतअल्लिक आंसू है वो जमान और मकान की कैद से मावरा है। वो फिर दिन के गुजरने से, टाइम के गुजरने से, उम्र के गुजरने से वो आंसू थमते नहीं हैं। जैसे जैसे मारिफत बढ़ती है वो आंसू भी बढ़ते हैं। इसलिए आप ये देखिए कि आप अपने ही मरहूम भाई के लिए, बेटे के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए एक दफा रोएंगे, दो दफा रोएंगे, तीसरी दफा आंसू नहीं आएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली की शहादत को 1500 साल गुजर रहे हैं, आज भी आप अगर 10 दफा उनका तस्किरा किया जाए तो 10 दफा बे इख्तियार आप रो पड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मारिफत के आंसू हैं। ये जो मारिफत के आंसू हैं ये निजात का पैगंबर है। ये जो मारिफत के आंसू हैं ये गुनाहों की तत्हीर का जरिया है। ये जो मारिफत के आंसू हैं ये इंसान को गंदगी से निकालकर पाक करने का सबब है। ये जो आंसू है ये इंसान की रूह के अंदर मौजूद कदूरतों को साफ कर देती है। अगर कदूरतें साफ हुई तो समझिए बामारिफत आंसू है। अगर कदूरत साफ नहीं हुआ तो समझिए उस आंसू में मारिफत नहीं थी। अगर ये आंसू मारिफत के साथ बहे तो उसके असरात क्या है? आप कभी भी किसी ऐसे शख्स को जो हुसैन से मोहब्बत करता हो आप उसके हवाले से मनफी अंदाज में नहीं सोचेंगे। क्योंकि जो मेरे महबूब को चाहता होगा वो मुझे महबूब होगा। अभी जरा गौर कर ले, एक हिंदू, एक मसीही अगर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करे तो आप यहां पर नारे लगाते हैं या नहीं? क्यों? वही तारीफ अगर एक शिया करे तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सुन्नी आलिम आकर अमीरुल मोमिनीन की विलायत और अमीरुल मोमिनीन के फजाइल बयान करे आप उसके हर हर जुमले पर नारा लगाएंगे। लेकिन शिया आलिम वही काम करे तो कहीं 20 जुमलों के बाद कोई एक नारा शायद कोई लगाए। वजह क्या है? वजह यह है कि आपका महबूब मुश्तरक है। जब उस महबूब के बारे में कोई आपका मुखालिफ भी कोई बात करता है तो वो मुखालिफ भी उस महबूब की मोहब्बत की वजह से अच्छा लगता है। ऐसा है या नहीं? हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत इसलिए दुश्मनियों को खत्म करती है, दोस्तियों में इजाफा करती है। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत, हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत, ये इसका मरकज और महवर विलायत अली है। इसलिए विलायत अली जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये जो मोहब्बत है ये इंसान को ताकत देती है, कमजोर नहीं करती। ये जो मोहब्बत है उस मोहब्बत करने वाले कबीले को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर मजबूर करती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से रोकती है। इसलिए हम कहते हैं इन्नल हुसैन यजमाउना, हुसैन हमें जोड़ते हैं, हमें तोड़ते नहीं है। इसलिए ये आजादारी जोड़ने के लिए है, जोड़ने के लिए। अब अगर कहीं पर आजादारी और आजादारी का मुकाबला हो रहा हो, कहीं पर बानी और बानी का मुकाबला हो रहा हो, कहीं पर खतीब और खतीब का मुकाबला हो रहा हो,
कहीं पर जाकिर और जाकिर का मुकाबला हो रहा हो तो समझ जाइए या दोनों बातिल हैं या एक बातिल है, दोनों हक पर नहीं हो सकते। इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करने वाले कभी भी हक पर आपस में नहीं लड़ सकते। जो हक पर होगा वो लड़ नहीं सकता, कभी भी लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए या एक का हक पर और दूसरे का बातिल पर होना जरूरी है, या दोनों का बातिल पर होना जरूरी है। हक और हक में तजाद नहीं होता, हक और हक में जिद्दियत नहीं होती, हक और हक के दरमियान कदूरत नहीं होती। जहां बातिल शुरू हो जाए कदूरत शुरू हो जाती है, जहां इबलीसियत शुरू हो जाए वहीं पर कदूरत और कसाफत और गंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए 1,24,000 अंबिया आए, कितने 1,24,000। आप जरा गौर करें, ये जो 1,24,000 अंबिया आए, कभी एक जमाने में कई अंबिया साथ थे, कभी इनके दरमियान कोई लड़ाई हुई नहीं, हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए खुमैनी बुचकन ये कहा करते थे कि अगर एक शहर में 1,24,000 अंबिया 1,000 साल तक मुश्तरका जिंदगी गुजारे, 1,24,000 अंबिया, कभी उनके दरमियान जर्रा बराबर इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तमाम अंबिया का मकसद अपने रब को और मौला को राजी करना है। जो अपने रब के लिए सांस ले रहा हो वो अपने दूसरे उस मोमिन मुस्लिम मुआहिद और खुदा परस्त भाई के लिए बोझ पैदा कर ही नहीं सकता, अदावत पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए आजादारी सैयदुश्शहदा कदूरत को साफ करती है और मोहब्बत को बढ़ाती है, अंदर से तारीकी को खत्म करती है और रोशनी पैदा करती है। अब जरा गौर करें, एक दफा सलवात भेजे मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजादारी सैयदुश्शहदा की बुनियाद विलायत है। विलायत उस बहते हुए दरिया के पाकीजा शफाफ और उजले पानी की मानंद है जो जहां से गुजरे अगर उस जमीन में जरखेज होने की सलाहियत हो तो जमीन को जरखेज कर देती है। ये वो दौलत है जिस जमीन पर कसाफत हो उस कसाफत को बहाकर ले जाती है, बहाकर ले जाती है। बारिश है ना, बारिश जब आसमान से बरसती है जिन इलाकों में दरिया नहीं है, नहरें नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर कौन सा पानी जमीन को सैराब करता है? बारानी, बारानी पानी। जहां पर बारानी जमीनें हैं वहां पर अगर एक जगह गंदगी का ढेर हो और एक जगह बाग हो, फसलें हो, बारिश अगर बरसे तो क्या बारिश की तबीयत में कोई तफरीक है? नहीं, बारिश की तबीयत में पाक करना है, गीला करना है, धोना है, साफ करना है। लेकिन वही बारिश जब बाग में गिरे पानी, कतरे बाग में गिरे, फसल में गिरे, तो वहां पर लहलहाती फसल और खूबसूरत गुलाब उगते हैं। वही बारिश का पानी जब गंदगी पर गिरता है तो वहां से ताफुन उठता है। बारिश की तबीयत में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर वजह क्या है? वजह यह है कि उधर गंदगी है, वहां पर पाकीजगी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए वही पानी जो पाक करने का सबब है गंदगी पर गिरने के बाद ताफुन का सबब बन जाता है, पाकीजगी का नहीं। कुरान इसको अपने लफ्जों में बयान करता है। कुरान कहता है, कुरान वो किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से
यहदी बिही कसीरा व युजिल्लु बिही कसीरा। इसी कुरान के जरिए से एक बहुत बड़ी तादाद में इंसानों को हिदायत के रास्ते पर कुरान पहुंचाता है और एक बड़ी तादाद को यही कुरान गुमराह करता है। कुरान गुमराह करता है नहीं, मफहूम क्या है, हदफ क्या है, फलसफा क्या है, जिनके दिल पाक होंगे यही कुरान उनकी हिदायत का सबब बनेगा, जिनके दिल नापाक होंगे उन्हीं की गुमराही का सबब भी यही कुरान बनेगा। आजादारी है सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की आजादारी है। इमाम हुसैन बोलते कुरान का नाम है, इमाम हुसैन बोलता कुरान, जो अपने हाल हयात में भी शहादत के बाद सर कटाने के बाद भी नेजे की अनी पर चढ़कर भी कुरान की तिलावत को नहीं भूले। अब यही आजादारी है सैयदुल शुहदा, जिसमें आप जिक्र हुसैन करते हैं, जिसमें आप हुसैन का कलाम बयान करते हैं, जिसमें आप हुसैन की मारिफत बयान करते हैं, इसमें भी वही खसूसियत है जो कुरान में है। अगर यही जिक्र पाक और पाकीजा अफराद करें तो उससे हिदायत के चश्मे फूटते हैं और लोग अल्लाह से जुड़ते हैं। और अगर यही जिक्र हुसैन कसीर और पलीद लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो वो इससे जहन्नम कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, लेकिन यही आजादारी उनकी हिदायत का नहीं जहन्नम का सबब बन जाती है कुरान की तरह से, जिस तरह से कुरान है। इसलिए ये याद रखें कि जब आजादारी सैयद शहादा में आए तो बानी भी इस चीज का ख्याल रखे और मातमदार भी इस चीज का ख्याल रखे, मातमी भी इस चीज का ख्याल रखे, मजलिस सुनने वाला भी इस चीज का ख्याल रखे कि वो उस सरजमीन में, उस चार दीवारी में, उस महफिल में जा रहा है जहां फरिश्ते सामने हैं, जहां फरिश्ते उतर रहे हैं, वहां पर झूठ नजासत है। झूठ नजासत है या नहीं? तो जब झूठ नजासत है तो अगर आप खाने काबा के अंदर झूठ बोलेंगे तो खाने काबा की फजा को भी अपने दिल की तरह से काला कर देंगे। इमाम बारगाह के अंदर झूठ बोलेंगे तो वो इमाम बारगाह की नूरानियत भी बेनूर हो जाएगी। मजलिस के दौरान झूठ बोलेंगे तो वो झूठ उस मजलिस की नूरानियत को खत्म कर देगी, है या नहीं ऐसे? इसलिए न झूठ बोलने की इजाजत दें, न झूठ सुनने के लिए तैयार हो। सुने वही जो अहलुल बैत ने दिया, बोले वही जो अहलुल बैत ने दिया। आप भी जब घर से आए तो पाकीजा होकर, वुजू करके, नया लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, नियत के साथ कि आपने हुसैन इब्ने अली की बारगाह में हाजिर होना है, घर से कदम उठाएं। ये जो आप एक एक कदम उठाकर हुसैन इब्ने अली के जिक्र की मजलिस में आएंगे, हदीस कहती है कि हुसैन की तरफ बढ़ने वाले हर कदम के इवज एक गुनाह कम होता है, एक हसना बढ़ता है। उसकी खसूसियत है, उसकी खसूसियत है। इसी तरह से हदीस हमें बताती है, हदीस कि जब ज़ियारत हुसैन इब्ने अली के लिए इंसान पाक पाकीज़ा नीयत के साथ कदम उठाता है तो उसका एक एक कदम एक एक हज का सवाब मिलता है। क्यों? इसलिए कि वो मकाम ऐसा मकाम है, इंसान को हज का पाबंद इसलिए किया गया है कि इंसान वहां पर जाकर पाकीजगियां समेटे, पाकीजगियां वहां पर जाकर हौसला ले इब्राहिम से, इस्माइल से, हाजरा से, वहां पर जाकर तौहीद के अलम को उठाए और समझे कि हज तौहीद के एहया का मरकज है। लेकिन अगर वही हज तौहीद की जगह शिर्क की तरवीज का सबब बन जाए और काफिर और मुनाफिक को इस्लामी मुआशरे पर मुसल्लत करने का सबब बन जाए तो फिर वो हज हज नहीं होता। इसलिए हुसैन इब्ने अली उस हज को छोड़ते हैं, इराक का रुख करते हैं। तो इसलिए ये याद रखिए, हुसैन इब्ने अली
हुसैन इब्न अली की जो मजलिस है और जिक्र है, ये सिर्फ सवाब कमाने का जरिया नहीं है, इंसान बनने का जरिया है, इंसानियत के मराहिल तय करने का जरिया है, मेराज इंसानियत तक पहुंचने का जरिया है। हुसैन इब्ने अली से जो जुड़ता है उसके अंदर हुसैन की खुसूसियात पैदा होती हैं। हुसैनी खुसूसियात, हुसैनी खुसूसियत क्या है? जुरअत, बहादुरी, शुजात, इस्तकामत, जुल्म के मुकाबले में सर उठाकर खड़े रहना, मजलूम की हिमायत में सर उठाकर मुकाबला करना और माशरे के अंदर पेश आने वाली बुराइयों और जराइम के मुकाबले में हुसैन की तरह से आवाज बुलंद करना, माशरे के अंदर अम्र बिल मारूफ करना, माशरे के अंदर नहीं अनिल मुनकर करना, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना, बुराइयां करने वाले की कलाई पकड़कर उसको रोकना और बुराई की तरवीज का खात्मा करना, ये हुसैनियत है, ये करबला है, ये करबला का जिंदा पैगाम है, करबला का जिंदा पैगाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ सर कटाने के लिए नहीं गए, अपना सर कटाकर बुराई के सर को काटने के लिए गए, और इमाम हुसैन ने ये किया, ये करके दिखाया। आज आप देख लें, उस जमाने में यजीद उन तमाम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन था यानी तमाम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, और हुसैन इब्ने अली को मतकून किया जाता कि खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ क्याम करके हुसैन खारिजी हो गए। लेकिन आज करोड़ों नहीं अरबों इंसान यक जबान होकर ये कहते हैं कि अगर इस कायनात में हिदायत का कोई सूरज चमक रहा है तो वो हुसैन इब्ने अली है, और अगर कायनात को जुल्मत कदा बनाना है तो उसका सबसे बड़ा इस्तारा यजीद इब्ने मुआविया है। आज इंसान उस बसीरत के मकाम तक पहुंचा, हुसैन इब्ने अली ने शहादत दी, लेकिन उस शहादत के नतीजे में ता क्यामे क्यामत ये चिराग जला दिया कि अब इस चिराग को कोई भी बुझा नहीं सकता, जो बुझाने के लिए आता है खुद जल जाता है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा ऊंची आवाज से सब मिलकर वाजल फरज हम के साथ दुरूद भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, इस असादारी सईद शहदा की रूह को समझिए, रूह को। मैंने एक और जगह भी यह जुमला अर्ज किया है, आपसे भी अर्ज करता हूं, असादारी सईद शहदा, चूंकि मैं चाह रहा हूं कि असादारी ही पर फोकस करूं कि असादारी क्यों इतनी अहम है। खुमैनी मुशिकन ने कहा था ना कि असादारी हमारी शहरग है। शहरग का क्या मतलब होता है? अगर शहरग को काट दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, आजादारी खत्म हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। इंसान खत्म होने का मतलब क्या है? वो मर जाता है। बदन नहीं मरता, रूह मरती है। बदन नहीं मरता, जिंदा सोच मरती है। इंसान बदन की हयात से इंसान नहीं आए, रूह की हयात से इंसान आए, फिक्र की हयात से इंसान आए। इसके करोड़ों लोग हैं जो चलते फिरते लाशें हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस राह में अपना सर दिया, अल्लाह गवाह है और गवाही देता है कि वो जिंदा भी हैं, पाइंदा भी हैं, रोजी भी लेते हैं। जिंदा वो होता है जो उस हक के रस्ते पर गामजन रहता है। आजादारी इसलिए हयात देती है, आजादारी हयात देती है, जिंदा करती है कौमों को। किस हवाले से जिंदा करती है? ये आजादारी दिल को पाक करती है, और जिसकी आजादारी है उसकी सिफात को दिल में जगा देती है। नतीजतन इंसान चाहते हुए या ना चाहते हुए
शूरी तौर पर या लाशूरी तौर पर मजालिस में शिरकत के जरिए से खुद ब खुद हुसैन इब्न अली के करीब पहुंचना है। जो जितना करीब पहुंचेगा उस सूरज से उतनी ही रोशनी लेगा, जो जितनी रोशनी लेगा उतना नूरानी होता चला जाएगा। कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर बनेगा, कोई हुर इब्ने यज़ीद रियाही बनेगा। लेकिन बात हो बात, हुसैन इब्ने अली खुद बाज लोगों से कहते हैं आओ ताकि निजात पा जाओ, लेकिन वो लोग चूंकि अंदर तारीकी है इसलिए करीब नहीं जाते, करीब नहीं जाते। दुनिया तो उनकी गई, आखिरत भी गई। दो चीजें नकल करता हूं, सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। एक दो फिर जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। थके हुए तो नहीं है? जो लोग थके नहीं हैं वो जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजो। अल्लाह मैं मुतवज्जे नहीं था लेकिन मुझे मुतवज्जे किया, बहुत अच्छा हुआ कि अजान का टाइम जो है करीब है। तो मैं इस मुख्तसर टाइम में जल्दी जल्दी दो बातें अर्ज करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे थे करबला की तरफ, इराक की तरफ। रस्ते में एक दफा पड़ाव डाला एक जगह, सामने एक बहुत बड़ा मजरा, बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ी जागीर आबाद हो रही है और फसलों की फसलें हैं, दरख्तों के दरख्त हैं। किसी ने बड़ी मेहनत की है, अपने बाज़ असहाब को लिया चले गए, उस बाग में दाखिल हुए। मालिक को बुलाओ, मालिक आया। कौन था? नबी करीम का एक सहाबी। जैसे ही उन्होंने इनको देखा कदमों पे गिर गए, अपना रसूलुल्लाह आपने मुझे फरमाया होता मैं हाजिर हो जाता, आप क्यों तशरीफ लाए? कहा कि मुझे तुमसे काम था इसलिए आया। अर्ज किया हुक्म फरमाइए। कहा कि मैं इराक की तरफ जा रहा हूं, मेरा यह सफर सफर है अम्र बिल मारूफ और नहीं है अनिल मुनकर है, और मैं इस सफर में कत्ल हो जाऊंगा, लेकिन यह सफर हमारी निजात का रास्ता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। उसने देखा, हाथ चूमे, अर्ज किया मौला मेरी 10 दफा आपकी, आप पर मेरी जान कुर्बान हो। मैंने अभी ये जमीन खरीदी और ये सारी फसलें उगाई हैं, दरख्त उगाए हैं, इस वक्त फल काटने का वक्त है, तो अगर मैं आपके साथ आया तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो इसलिए आप इजाजत दें मैं अपना घोड़ा आपको दे दूं, अपनी तलवार आपको दे दूं, ताकि मेरा हिस्सा डल जाए, मैं जरा ये जो मेहनत की है इस मेहनत का फल काट सकूं। मौला हुसैन दावत दे रहे हैं और वो ये जवाब दे रहा है। मौला हुसैन उठे, फरमाया कि ठीक है, मैं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें इस जंजीर से रिहाई दिलाऊं, तुम्हें इस पस दुनिया की जंजीरों और गंदगियों से निजात दिलाकर उस मकाम पर पहुंचाऊं जो तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम उधर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं। वापस पलटे, न घोड़ा लिया न तलवार। जैसे ही वापस पलटे पीछे से आया, यबना रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, एक एहसान फरमाइए। पूछा क्या? कहा कि ये मैंने यहाँ पर ज़मीन जो खोदी है तो इसमें पानी चाहिए, पानी तो मैंने निकाला है लेकिन ये खारा पानी है, मीठा पानी कहीं नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करें जिससे मेरे कुएं का पानी मीठा हो जाए? इमाम पलटे, कहा मुझे कुएं के पास ले चलो, लेकर गया, डोल में पानी निकाला, अपना लआब दहन पानी में डाला, डोल उल्टा, उसके बाद फरमाया जाओ तुम्हारा पानी मीठा हो गया। ये याद रखिए,
आजादारी है सैयदुल शहदा में आने वाले सोच ले पानी मीठा करने के लिए आ रहे हैं या हुसैन को अपनाने के लिए आ रहे हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हमने हुसैन इब्ने अली का रास्ता चुना है या अपनी दुनिया के लिए उनको बहाना बनाया है। दोनों मुरादें पूरी हो जाती हैं। जो हुसैन को पकड़ता है वो निजात पा जाता है, जिसको अपना पानी मीठा कराना होता है वो पैसे लेता है हुसैन इब्ने अली से, रोजी लेता है हुसैन इब्ने अली से, शोहरत लेता है हुसैन इब्ने अली से, रिस्क लेता है हुसैन इब्ने अली से, कामयाबी का परवाना लेता है हुसैन इब्ने अली से, घर नहीं है घर लेता है हुसैन इब्ने अली से, बच्चों की तालीम लेता है, नौकरी लेता है हुसैन अली से। ये सारी चीजें तो ले लेता है इसलिए कि वो रहमत खुदा का दरवाजा है, वो तो देते हैं, लेकिन हुसैन उसको नहीं मिलता। हुसैन चाहिए या ये चीजें चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ ये भी है, जिसको हुसैन मिल जाए उसको ये सारी चीजें मिल जाती है। इसलिए फैसला कर ले कि हमारी जिंदगियों में हमारा महवर और मरकज हुसैन है या इस दुनिया की आलाइशात और छोटी छोटी तलब और ख्वाहिशात। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मांगे नहीं, हर चीज मांगे, लेकिन खुद हुसैन से हुसैन को मांगे, अल्लाह से हुसैन को मांगे, अल्लाह से अली को मांगे, अल्लाह से खुद अल्लाह को मांगे। अगर ऐसा हो जाए तो हम सही मुमिन है। यही हुसैन इब्ने अली निकले, निकले आए करबला के करीब पहुंचे, एक रास्ता कूफा की तरफ जा रहा है, वहां पर देखा एक टेंट लगा हुआ है, रुक गए, पड़ाव डाला। वहां से अब करबला बहुत करीब है, क्योंकि रोक दिया गया है, शाम का वक्त है, अपना टेंट और अपना तंबू और खेमा लगाया। लगाने के बाद अपने एक दो साथियों के साथ टहलते टहलते उस खेमे तक पहुंचे। उस खेमे में पहुंचे, देखा एक बूढ़ी खातून बैठी हुई है। कहा, बीबी आपका, आप कौन है? कहा कि मैं एक मसीही खातून हूँ, कूफा से निकली हूँ अपने बच्चों के साथ, जा रही हूँ सफर पे। तो आपके बच्चे? कहा मेरा एक ही बेटा है, उसकी अभी शादी हुई है, मैं अपने बेटे और बहू के साथ कूफा से निकली थी, आगे जाना था। कहा अच्छा, वो दोनों कहाँ हैं? वो ज़रा पानी तलाश करने गए। अच्छा, कुछ देर बैठे, उसके बाद फरमाया कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे पहचान लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली। बेटा आ जाए तो उससे कहना कि हुसैन इब्ने अली को तुमसे एक काम है, सामने मेरा खेमा है। इमाम हुसैन वापस अपने खेमे में आए, ये खातून घर में उस खेमे में बैठी रही, बच्चे दोनों मियाँ और बीवी साथ में आ गए। जब आए तो कहा बेटा, कुछ देर पहले हमारे खेमे में एक शख्सियत आई थी, जो उस शख्सियत ने हमारे खेमे में कदम रखा तो लगा जैसे ईसा मसीह तशरीफ लाए हो। हमारा खेमा इतना नूरानी हो गया, इतना खुशबूदार हो गया, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह का कोई वली आया है। अभी वो वापस चले गए हैं और उन्होंने अपना तारफ करवाया कि वो हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब है, और तुमसे कहा है, तुमसे काम है, जाओगे उनके पास? कहा माँ क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जैसे ही वो उठा, बीवी भी उठी, कहा कि मुझे भी लेकर चलो। जब वो दोनों तैयार हुए तो माँ ने कहा फिर मुझे भी लेकर चलो। खेमा समेटा, चले गए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह, बैठ गए तीनों। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया कि देखो, मैं अली का बेटा, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा, मैं इस मकसद के लिए निकला हूँ और इस मकसद के लिए आगे की तरफ सफर कर रहा हूँ, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? ये मसीही है, ईसाई, याद रखिए, वो मुसलमान भी था, कलिमा गो भी था और रसूलुल्लाह के साथ रहा भी था। इस जवान ने जैसे ही दावते हुसैनी को सुना, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे पहले आप कलिमा पढ़ाइए। कलिमा पढ़ाया, आप मुसलमान हो गया। बीवी ने कहा मुझे भी पढ़ाइए, कलिमा पढ़ा मुसलमान हो गई। माँ ने कहा मुझे भी पढ़ाइए, कलिमा पढ़ा मुसलमान हो गई। कहा कि मौला हम आपके साथ हैं,
माँ ने कहा, मौला हुसैन ये जो मेरा बेटा है ना, पिछले हफ्ते इसकी शादी हुई है, अभी ये दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ आए थे कि हम किसी और इलाके में जाएं, तो हमें आप मिल गए तो क्या मिले, खुदा मिल गया। अब जरा सोचिए कि ये खानवादा कितना कितने दिन हुसैन के साथ रहा, एक हफ्ते। उसके बाद आशूर का दिन आया, आशूर के दिन से पहले ये फैमिली तीन अफराद की, हुसैन पहली गया, ज्यादा से ज्यादा भी अगर रहे होंगे तो 12-13 दिन रहे, दो हफ्ते से ज्यादा नहीं। लेकिन आशूर के दिन जब इस खातून का ये नौजवान बेटा, इस खातून को उम्मे वहब कहा गया है, उम्मे वहब, जब इस उम्मे वहब ने अपने बेटे वहब को तैयार करके मैदान में भेजा, तो सामने वाले लश्कर का जो बहादुर सिपाही मैदान में आया था जंगजू, उसने पहचान लिया ये गरीब फैमिली है, अपनी शान के खिलाफ समझा। लेकिन ये बड़ा कहा कि मैं हुसैन का सिपाही हूं, लड़ूंगा। इन्होंने कई एक को मारा और आखिरकार ये शहीद हो गए। जिसने इनका सर काटा, करीब आकर इसकी माँ के खेमे के करीब आकर ऊंची आवाज से कहा कि ए बुढ़िया, तुम तो मसीही थे, तुमने आकर हुसैन की हिमायत की, मैंने इस बच्चे को रोका था, ये रुका नहीं, ये लो अपने बेटे का सर, यूं फेंका उस खेमे की तरफ। माँ बाहर निकली, सर उठाया, बोसा दिया और कहा, हम वो हैं जो हुसैन पर जब कोई चीज कुर्बान करते हैं तो वापस नहीं लेते। वही सर वापस फेंक दिया, वही सर वापस फेंक दिया। ये क्या है? ये है इश्क हुसैन, ये है मोहब्बत हुसैन, ये है मवद्दत हुसैन, ये है मारिफत हुसैन। जब इंसान हुसैन से जुड़ जाता है तो अल्लाह उस इंसान को जमीन की तहों से निकालकर अरशे मुअल्ला तक पहुंचा देता है। और आज जब आप हुसैन को सलाम करते हैं, वो माँ भी शहीद हो गई उसी मारिके में, मारिके करबला में, आज जब आप सलाम करते हैं हुसैन पर, तो हुसैन इब्ने अली के साथ जिन हस्तियों को शरीक करते हैं और कहते हैं, बि अबी अंतुम व उम्मी, ए शहदा, मेरी जान, मेरे बाप, मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, एक दफा नहीं हजारों दफा कुर्बान हो, तो उस हुसैन की सफ में अब वो माँ और बेटा भी शरीक हो गए, उन पर भी आप अपनी जानें कुर्बान करने का वादा करते हैं। ये है हुसैन से जुड़ने का नतीजा, ये है हुसैन का हाथ थामना, ये है आजादारी सैयद शहदा की बरकत, ये है हुसैन इब्ने अली की मारिफत, ये है वो क्रिया जो हुसैन इब्ने अली के दायरे में, विलायत में इंसान को दाखिल करता है और जमीन से अर्श तक पहुंचा देता है। करबला मजलूमों की सरजमीन है, मजलूमों की सरजमीन। करबला के वाकये के लिए ना जरूरत नहीं है कि झूठ बोला जाए, झूठी रिवायतें पढ़ी जाए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब सच्ची एक रिवायत पढ़ दे, सिर्फ एक, वही एक रिवायत दिलों को आग लगाकर इंसान को इतना रुला दे कि फिर आंसू थमने का नाम न ले। इसलिए कि करबला में जो हादसा और वाकया रोनमा हुआ है वो आम लोगों के साथ नहीं, नबी की बेटियों के साथ हुआ है, अली की साहिबजादियों के साथ हुआ है। अली की साहिबजादियां कोई मामूली शख्सियात तो नहीं आए। अगर आप में से किसी के घर पुलिस आ जाए, जरा तसव्वुर कर लें, अगर घर से मुखद्दरात को, ख्वातीन को पकड़कर पुलिस थाने में ले जाए, तो आपका चैन खत्म हो जाता है, आपका सुकून खत्म हो जाता है। लड़का चला जाए तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बेटियां बहनें उठा ली जाएं, तो उस वक्त आपके पूरे वजूद में एक करंट दौड़ता है, एक लम्हे के लिए आप सुकून नहीं पाते। जरा तसव्वुर करें, क्यों? इसलिए कि आपकी गैरत जोश मारती है, गैरत। ज़ैनब कुबरा कौन है? गैरत खुदा, गैरत खुदा, गैरत मोहम्मद मुस्तफा। उम्मे कुलसूम कौन है? रुबाब कौन है? सकीना बिनतुल हुसैन कौन है? फातिमा बिनतुल हुसैन कौन है? सुगरा बिनतुल हुसैन कौन है? ये मुखद्दरात इस्मत और तहारत कौन है? हुसैन की गैरत,
अली की गैरत, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गैरत, इन हस्तियों को बाजारों में ले जाया गया है। इन हस्तियों को, जब इन हस्तियों को बाजारों में ले जाया जाए तो अर्शे खुदा को गैरत आती है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि करबला के वाक़े के बाद 40 दिनों तक जब बारिश होती थी तो खून की बरसात होती थी। इसलिए कायनात रोई है, कायनात। इसलिए अहदीस हमें बताती हैं कि करबला के वाक़े के 40 दिनों तक जब कोई पत्थर उठाया जाता नील नीचे से खून उबलता, कायनात रोई है। इंसान की चीज का नाम है, तो हम न रोए तो कौन रोए? जरा सोचिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला में क्या हुआ, क्या हुआ? मैं दो जुमले सिर्फ अर्ज करूंगा, चूंकि अजान का वक्त हो गया है, सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, सिर्फ एक जुमला। जब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को कहा गया ना कि बीबी अब हम आप लोगों को पहुंचाएंगे कूफा, तो कैफियत क्या थी? 11 मुहर्रम का दिन था और बीबियां रोती रही थी सारी रात, अपने शहदा पर आंसू बहाती रही, और जब कहा गया कि अब आपको हमने करबला पहुंचाना है तो अब एक सख्त मरहला दरपेश था। वो क्या है? वो ये है कि इन बीबियों को सवारियों पर सवार कराना है। जब मदीना से चले थे तो सवार कराने वाला अकबर जवान था, कासिम था, अब्बास थे, हुसैन इब्ने अली थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। लेकिन अब क्या कैफियत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये हाल है कि रात जब उन्होंने नमाज शब नमाज तहज्जुद पढ़ी है तो खड़े होकर पढ़ न सकी, बैठ कर पढ़ी है। अब उस कैफियत में सवार होना है, तो जब आदा और दुश्मन के सिपाही करीब आए तो ज़ैनब के ज़बान मुबारक से अली की ललकार निकली, खबरदार हमारे करीब ना आना, हम अपनी बच्चियों को खुद सवार कराएंगी। ज़ैनब कुबरा ने उस ज़ईफ़ा की कैफियत में, ज़ाफ की कैफियत में, कमजोरी की कैफियत में एक एक करके हर बीबी को खुद चढ़ाया, खुद सवार करवाया, यहां तक के उम्मे कुलसूम को सवार कराया, हजरत इमाम सज्जाद को सवार करवाया। और बाज रिवायात, बाज उलमा से मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि जब खुद बीबी की बारी आई तो सवार नहीं हो पा रही थी, तो तब फरिश्ते आए और उन्होंने सवार कराया। जब ये काफिला चलने लगा तो बीबी ने एक तकाजा किया कि हम अपने शहदा के लाशों के दरमियान से गुजरना चाहते हैं, जरा हमें इतनी इजाजत और मोहलत दो कि हम अपने शहीदों का आखिरी दीदार कर सकें। इजाजत मिल गई, सवारियों का रुख मैदान करबला की तरफ हुआ, ख्याम की तरफ से। जैसे ही उन शहदा के दरमियान में आए, इन बीबियों की निगाह उन लाशों पर पड़ी जो बरहना थी, जिनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे और जिनके सर कटे हुए थे, सर किसी का मौजूद नहीं था। अब इन बीबियों का ये हाल हुआ कि अपने उन सवारियों की पुश्त पर से खुद को ज़मीने करबला पर गिराया और घुटनों के बल अपने अपने शहीद के पास जाकर उस शहीद का लाशा उठाकर सीने से लगाती थी और फिर पूछती थी, मेरे शहीद तुम ही हो? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान मुहतरम, सिर्फ एक मिनट के लिए रुकें, चंद दुआएं ज़रूर मांग कर जाएं, चूँकि आज़ादारी सैयदुश्शहदा में दुआ कबूल होती है। जिसकी दुआ ना हो वो बेशक जाए, लेकिन अगर जिसके दिल में दुआएँ हैं तो दुआ कबूल करवा कर जाए। खुदाया हम सब की इस आज़ादारी को कबूल फरमा, बारलहा हमारे दिलों को हुसैन की मारिफत से नूरानी फरमा, बारलहा हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा, बारलहा हमें मारिफत इमाम जमा अता फरमा, बारलहा हमें इमाम जमा के साथियों में शुमार फरमा, बारलहा जहां जुल्म है उसके खिलाफ बोलने की तौफीक अता फरमा, बारलहा फलस्तीन और गजा के मजलूमों की हिमायत की तौफीक अता फरमा, उन मजलूमों को फतह नुसरत अता फरमा, हमास को फतह नुसरत अता फरमा,
हम सबको जालिम का दुश्मन और मजलूम का हामी बनना नसीब फरमा। बाला इमाम जमा के जहूर की राहें हमवार करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग हाजतमंद हैं उनकी हाजात को कबूल फरमा। जिनके घर बीमार हैं उन्हें शफाए आजिल और कामिल नसीब फरमा। बाला जिनके घरों में औलादें नहीं हैं उन्हें हजरत सकीना बिनतुल हुसैन का वास्ता औलाद सालेह अता फरमा। बाला हम सब के तमाम मरहूमीन को बरज़ख की जिंदगी में नेमतों से नवाज दे। उनकी हुकूमत और उनकी सख्तियों का खात्मा फरमा। हमें मौत से पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमा। मौत के वक्त अली का दीदार नसीब फरमा। मौत के बाद कब्र में हुसैन की शफात नसीब फरमा। बरज़ख में रसूल करीम का साया नसीब फरमा। महशर में बीबी दो आलम की शफात नसीब फरमा। बाला हमारे इस मुल्क को जालिमों से निजात अता फरमा। नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। कौम में वहदत और इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमा। हमारे दिलों को आपस में जोड़ दे। तमाम मुसलमानों को बेदारी की तौफीक अता फरमा। हम सबकी तमाम इन दुआओं को